बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब अली, आज जो मैं आया हूँ ना, मैं आया हूँ ऑमनी टाउन और यहाँ पे आया है मुख्तारिया रेस्टोरेंट। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, अच्छा है, देखने में बड़ा मज़ा आया। और ये है बंगला बाज़ार, औरंगी बंगला बाज़ार बहुत मशहूर है। औरंगी टाउन में बंगला बाज़ार किसी भी दूसरे में आपको डालेंगे, गुलशन बिहार से पहले ही और ये लगता है 15 नंबर की। और भाई मैं यहाँ पर आपको अभी जो है ना, पहले मैं आपको खाना दिखाऊँ। भाई ये देखें आप खाना, इसमें जो है ये मलाई बोटी है और ये घोड़ा कबाब है और ये बिहारी बोटी है और ये कबाब हैगा और इसके साथ मलाई के साथ ये जो है ये कचौरी के साथ है और मीठे में जलेबी भी है। मीठे में जलेबी भी है और मैं आपको जो है ये पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका रिव्यू मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले दिखा रहा हूँ और अभी ये खा के बताऊँगा आपको मैं कि ये कैसा है। मज़ेदार है, लगते हैं मुझे बहुत मज़ेदार है और अभी देखते हैं कैसा है। ये मैं खा रहा हूँ कबाब है, ये है बिहारी कबाब, ये है चटनी है। और ये है मलाई बोटी, ये भी चटनी है। मज़ेदार है। वीडियो बनाने से पहले खाने का रिव्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ तो यहाँ पे एक साहब आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई, बड़ी बुराई थी, बहुत ख़राब खाना नहीं लाए, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा खाना। और यहाँ पे आए जो लोग औरंगी टाउन में रहते हैं वो तो आए हैं, जो औरंगी टाउन में नहीं भी रहते, यहाँ का और ही बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, बड़ी अच्छी जगह है और ऐसे मेरे चैनल को और यहाँ पे आके मुझे हो अच्छा जी। ये है मुख्तारिया रेस्टोरेंट जिसका मैंने अभी आपको खाना खा के बताया है, ठीक है जी। और ये है मेन रोड यहाँ का 15 नंबर का और ये सीधा जा रही है बंगला बाज़ार। ये बंगला बाज़ार है, ठीक है ना, औरंगी टाउन का। और अभी मैं आपको खाना बता रहा हूँ कैसा है। ये देखिए कचौरी मुसलसल बने जा रही है, कचौरी कचौरी और पूरी दोनों बनती है, पूरी भी बनाते हैं ये इसमें। अच्छा, कचौरी के साथ ये है गुलाब जामुन मीठे में, भाई मीठे में गुलाब जामुन है। भाई ये लग रही है बोटियाँ, ये कौन सी बोटी बेटा, मलाई बोटी है। और ये बिहारी कबाब है, नीचे भी है, अंदर देखते क्या क्या है। ये टिक्के ये कौन से लगा रहे, बिहारी कबाब, बिहारी कबाब है। सबके सामने लगा रहे हैं, कोई दखी छुपी बात नहीं है, सब सही ही बना रहे हैं। ये बिहारी कबाब है बड़े साहब, बिहारी कबाब, चंदन कबाब, बिहारी बोटी, मलाई बोटी, धागा कबाब, गोला कबाब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है भाई, सब बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये रेस्टोरेंट आपका है, कब से चला रहे हैं इसको? 1984 से चल रहा है, मेरे वालिद साहब के टाइम, वालिद साहब के टाइम से चल रहा है, वालिद साहब के टाइम से चल रहा है, यानी कि 40 साल हो गए, 30 साल हो गए तकरीबन, नहीं मिनिमम 40-45 साल, 40-45 साल बंगला बाज़ार में, यानी कि यहाँ बंगला बाज़ार में बहुत कुछ चेंज होते देखा है आपने। अभी तो खैर इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, मगर यहाँ से बचपन से यहाँ पर अभी तक गुजार दिया। तो ये रेस्टोरेंट आप पहले शुरू इसी से किया था या कुछ और था पहले? इसी से किया था,
से शुरू था और इसी से शुरू है और इसी से चल रहा है। अच्छा, इसी से ही चल रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास स्पेशल? क्या कबाब है, बिरयानी बोटी है, मलाई बोटी है, चंदन कबाब है, गोला कबाब है। कबाब के आइटम में 6 से 7 वैरायटी का कबाब है। 6-7 बिरयानी कबाब, बिरयानी बोटी हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है। और कितने का है तकरीबन रेट क्या इसका? 100 रुपये का सीख है, 600 रुपये की प्लेट है। अच्छा, 600 रुपये की प्लेट है। प्लेट है, प्लेट में 6 सीख। और उसके साथ कचौरी रखी हुई आपने, पूरी और कचौरी? जी हाँ जी हाँ। और मीठे में जलेबी भी रखी हुई आपने? भाई माशाल्लाह, होता है इत्तेफाक, काफ़ी लेट हो गया आज, तो मीठे में सूजी का हलवा भी होता है। अच्छा, और चाय भी होती है माशाल्लाह। चाय सही है यार, आपने हर चीज़, यानी कि एक तरीके से आपने हर कस्टमर को घेरा हुआ है। यानी किसी ने अगर बारबेक्यू खाना, अच्छा बारबेक्यू खाना वो भी बैठेगा, चाय जिसने पीनी है वो भी बैठ जाए, किसी ने मीठा खाना अच्छा था वो भी बैठ जाए। यानी कि हलवा पूरी भी लगती होगी सुबह को? तमाम चीज़ें सुबह को वो भी होती होगी। बेहतरीन है। यहाँ का एड्रेस बताएंगे? औरंगी टावर 15 नंबर बिल्ला दारा मेरी शॉप। अब आप वो फूड पांडा पर तो नहीं होंगे? नहीं, फूड पांडा नहीं, किसी को खाना चाहिए होता है बाइकिया करके हम भेज, बाइकिया करके भिजवा देते हैं आपके शहर में कहीं भी हो, कहीं से भी हो। अच्छा, मोबाइल नंबर बताएंगे अपना? 0316-272-3467। अच्छा जी, यहाँ तो लगे जा रहे हैं भाजन। ये कौन सा लगा है? बोटी लगाई है? ये भी बिहारी कबाब लगा है। अच्छा, सही है। और ये बोटी है? ये रेशमी है, ऊपर टिक्के हैं। सही है, सही है, सही है। मशहूर बेहतरीन बिहारी कबाब चलेगा जी मुख्तारिया। और दूसरी बात, जलने वालों जलते रहोगे, जलने वालों जलते रहोगे, मुख्तारिया कबाब चलते रहेंगे। औरंगी टोन की मुख्तारिया की कबाब जो खाया उसने बोला जी मुख्तारिया। बंदा खोल के बोलता है दिल खुश हो गया बाबा, दिल खुश गया, जो नाम सुने उससे भी ज्यादा बेहतरीन हो गया। जी मुख्तारिया चलेगा, जलने वालों जलते रहो, जलने वालों जलते रहो, मुख्तारिया कबाब चलते रहेगा। अच्छा भाई, खाया दिखाया आपको यार, खाना अच्छा है इनका, बहुत अच्छा है खाना। तो मैंने शुरू में खा के आपको दिखा दिया। अमूमन हम जो है वीडियो बनाने के बाद जो है रिव्यू करते हैं खाने का, मगर इसका रिव्यू हमने पहले कर दिया, इसलिए कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था तो उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। खाना बहुत अच्छा है, अपना टेस्ट है। अच्छा, अपना टेस्ट इनका अलग, ऐसा नहीं है कि आप, वाकई अलग टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा है, खटास है, किसी बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे ज़रूर आए भाई, खाना खाएं यहाँ पे आके, और लाइट चली गई, लाइट आ गई दोबारा से। ऐसा तो होता है, सब जगह भी ऐसे होता है, रोमिटॉन में भी ऐसे होता है। तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे आके ज़रूर खाएं, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, और खाना खाने इधर ज़रूर आए। शुक्रिया आपका।